अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पे CDA का ऑपरेशन चल रहा है। जो तजावजात हैं, गैर कानूनी ठी हैं जो यहाँ पे, उनको ये आप देख सकते हैं, क्रेन की और हैवी मशीनरी की मदद से यहाँ से हटाया जा रहा है। ये मार्केट कमेटी के दफ्तर के साथ जो ठीए थे, इनको भी हटाया जा रहा है। इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर के हुक्म से इधर असिस्टेंट कमिश्नर सानिया साहिब आई हुई हैं और इनकी निगरानी में यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवी मशीनरी के साथ जनाब मोहतरम यहाँ से जितने भी तजावजात थे, गैर कानूनी ठीए थे, यहाँ से हटाए जा रहे हैं। आप देखें इस वक्त मल्टीमैक्स टीवी चैनल पे ये मनाजरात, जो गैर कानूनी ठीए थे इस वक्त यहाँ से हटाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे गरीब लोग भी हैं। लेकिन क्योंकि इनके यहाँ पर ठीए लगाने की वजह से रोड भी बंद रहता था, जो यहाँ पे ख़रीदार आते थे उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से इंतज़ामिया की तरफ से ये ठीए हटाने का हुक्म दिया गया और इस वक्त हैवी मशीनरी के ज़रिए जनाब यहाँ से ये ठीए हटाए जा रहे हैं, ताकि वो लोग जो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ, क्योंकि मंडी का काम है तो यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ, बड़े ट्रक, 22 व्हीलर और इससे भी बड़े बड़ी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम होता है। मुल्क भर से यहाँ पे सब्ज़ी, फ्रूट, फल यहाँ पे आता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और इन छोटे मोटे ठीए जो गैर कानूनी भी हैं, तजावजात में आते हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हो जाती थी। और इसको इस वक्त यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में CDA की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए हटाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मंडी के अंदर का जो हिस्सा है, वहाँ पे भी मशीनरी के ज़रिए जो गैर कानूनी ठीए लगे थे उनको हटा रहे हैं। ओवरऑल इस्लामाबाद में पूरे जो कैपिटल है वहाँ पे CDA ने ऑपरेशंस किए हैं, जहाँ पे गैर कानूनी शहर थे, जहाँ पे कोई इस तरह की तजावजात थी, उनको हटाया गया है मशीनरी के ज़रिए, क्योंकि अफसरान बाला का हुक्म है जिसको पूरा किया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलाके में रश हो जाती है, ट्रैफिक की रवानगी में जो है तकलीफ़ होती है, और ज़्यादातर जो छुट्टी का वक्त होता है उस वक्त ये जो रोड के ऊपर गैर कानूनी ठीए होते हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। तो इसीलिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके और जनाब बिल्कुल पूरे इस्लामाबाद में ये स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। जितने भी गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब जगह पे ठीए लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। ये आप देखें मंडी के अंदर वाली साइड भी और मंडी के बाहर जो जगह है वहाँ पे भी जो गैर कानूनी ठीए थे उनको हटाया जा रहा है। आप मल्टीमैक्स टीवी पे ये मनाजर देख रहे हैं, काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में होने वाली तमाम चीज़ें, जितनी भी न्यूज़ हैं जो हम तक पहुँचती हैं, वो हम आप तक पहुँचा सकें। काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये हुकूमत का जो एक्शन है ये ठीक है कि नहीं। काइंडली हमें सपोर्ट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।